मुद्दे बहुत हैं। रास्ता जाता कहां है? रक्षा रास्ता जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उन मूल मंत्रों से निकलता है। देखिए, किताबें सभी पढ़ते हैं, लेक्चर भाषण सभी सुनते हैं, सारे काम होते हैं, लेकिन जो मुद्दे की बातें होती हैं, जब प्रोग्राम में आते हैं, वहां जाकर के मुद्दों की बात करने का जो हमें मौका मिलता है। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीन मूल मंत्र तो हमें बताए कि शिक्षित बनो। हाँ, हमारे माता पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें इस काबिल बना दिया कि हम शिक्षित हुए, और आने वाले समय में हम उस पीढ़ी को भी तैयार कर रहे हैं। जो पीढ़ी आज पैदा हो रही है, जो अंबेडकरवादी पीढ़ी, वो तैयार हो रही है, जो पौध तैयार हो रही है। तो राज किसका आने वाला है? अंबेडकरवादियों का राज आएगा, ओबीसी बात है। सारे फेल हो जाएंगे, चाहे वो अयोध्या का राम मंदिर का मुद्दा इन्होंने उठा लिया। अब इनके पास में कुछ नहीं है, इन्होंने जो कहा जो किया अब तक, आपने 4.5 साल देख लिए, आपने पहले कांग्रेस की भी देख लिए। कांग्रेस ने अपने जीवन काल में किया क्या? गांधी परिवार का विकास, सिर्फ गांधी परिवार का विकास किया, इसके अलावा उसने कुछ नहीं किया। वरना अपनी कोठियां भी भरी हैं, अपनी तिजोरियां भी भरी हैं, लेकिन बहुजन समाज का हमेशा शोषण होता आया है। आज तक यह शोषण क्यों नहीं रुका? क्योंकि हमारी सरकार नहीं थी। अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। इधर से हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार, इनको कुछ नहीं आता, इनको सिर्फ एक ही चीज मां के पेट में सिखा दी जाती है, हिंदू मुस्लिम करना, दलित मुस्लिम करना, दलित हिंदू करना। अब दलित हिंदू तो है नहीं, ये भी स्वीकार इन्होंने कर लिया, क्योंकि बात इन लोगों ने पूरा ऐसा प्रॉपर गंडा मचाया हुआ है पूरे देश के अंदर कि धर्म और जाति, जाति से लोगों को कुचला जा रहा है, धर्म के नाम पर लोगों को कुचला जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने पहले गुजरात में आतंक मचाया, देख लिया होगा जी, साबरमती एक्सप्रेस को जलवाने वाला कौन था? वहां का पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल में प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। अब उसको मैं जुमलेबाज कहूं, ठहाके लगाने वाला कहूं, या फिर मैं ये कहूं कि भाई 56 इंच की छाती जो लेकर के बैठा है, अरे 56 इंच की छाती लेने वाला मुझे ये बता दे कि कभी ये छाती जो तुमने 56 इंच की तुम बार 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 रट्टा तुमने लगाया हुआ है, क्या इस 56 इंच की छाती, क्या ईवीएम के लिए तो ईवीएम पे तो ये लोग जो है चुनाव जीतते हैं, घोटाले करते हैं, और जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कभी 56 इंच की छाती, कभी चाय वाला, कभी चाय बेचने वाला, कभी कुछ, वहीं आकर के इनकी बातें रुक जाती हैं। लेकिन देश बेवकूफ नहीं है, देश समझदार है, देश जवाब मांगेगा। मैं पूछता हूं, इस मंच के माध्यम से पूछता हूं, राजधानी दिल्ली में बैठा हूं, और राजधानी दिल्ली में जैसे भारत का संविधान मोदी जी की नाक के नीचे जला, ऐसे ही मोदी जी की नाक के नीचे ही ठीक पूछूंगा कि बोल मोदी बोल, देश का धन किसने लूटा? बोल मोदी बोल, देश का धन किसने लूटा? बोल मोदी बोल, मोदी को बोलना पड़ेगा। बोल मोदी बोल, नोटबंदी किसने की? बोल मोदी बोल कि बहुजनों के ऊपर अत्याचार किसने किए? बोल मोदी बोल, मोदी को बोलना पड़ेगा। मोदी ने सारे घोटाले किए, अब विमान का घोटाला भी सामने आ रहा है, ये मोदी को बोलना पड़ेगा, मोदी को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी जवाब क्यों देंगे? देश के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है कि मोदी मोदी मोदी, इसके अलावा कुछ नहीं। अब इस मोदी जी को इतनी शर्म तो आती नहीं है, अरे जो अपनी बीवी का और अपनी मां का ना हो वो इस देश का कैसे हो जाएगा? बड़ी सोचने वाली बात है। अब योगी आदित्यनाथ ने ऐसे ही उत्तर प्रदेश में तांडव मचाया हुआ है, सब देख रहे हैं। संविधान राजधानी में जल गया, हालात पूरे देश के अंदर खराब हो चुके हैं, लेकिन रह रह के वही जातिवाद हमें नजर आ रहा है। और संविधान बदलने की मांग करने वाले, संविधान को हटाने की मांग करने वाले, अरे ये लोग 5 साल सत्ता में आ गए और 5 साल सत्ता में आकर के अपनी औकात भूल गए। कल तक चाय बेचता था, आज अपनी औकात भूल रहा है, संविधान बदलेगा? इसके बाप की औकात को ना, हम करेंगे संविधान की रक्षा, चाहे मर जाए, चाहे कट जाए, चाहे किम्मे भी हो जाए। और बहन जी ने बनावेंगे प्रधानमंत्री, सुन लिए मोदी कान खोल के,
और सरेआम मैं दिल्ली के भी सभी पदाधिकारियों से कहना चाहूंगा कि जहां भी हम बसपाइयों का, जहां भी बहुजन समाज का पसीना गिरेगा ना इस संघर्ष के आवाज में, भीम सेना के लोगों का वहां खून गिरेगा। अपना खून भी तैयार देने के लिए तैयार है हम मिशन में। हर जगह आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए हैं। और जो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं कभी एक्चुअल में उन लोगों के खिलाफ में बात नहीं करता जो मूवमेंट को धोखा देते हैं। मूवमेंट को धोखा देते नहीं, अपनी छोटी छोटी दुकान बना करके बैठे हुए हैं, सिर्फ दुकानदारी चलाते हैं। इनकी ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता है नहीं, ये चंद दिनों के मेहमान होते हैं। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर भी हालात, दिल्ली के अंदर भी हमारे ऐसे लोगों कम नहीं है जो साथ।